प्रदेश में प्लास्टिक पर भले ही रोक लगा दी गई हो, लेकिन प्लास्टिक का इस्तेमाल अभी पूरी तरीके से बंद नहीं हो सका है। ऐसे में प्लास्टिक का प्रदूषण रोकने के लिए आगरा के एक एनजीओ ने यूज्ड प्लास्टिक से इको ब्रिक्स यानी प्लास्टिक के ईंट बनाने का काम शुरू किया है। संस्था ने अभी तक 100 किलो पॉलीथीन का उपयोग करके प्लास्टिक के ईंट तैयार किए हैं। ये आइडिया हमने नेट से देखा, ये काफी सारे देशों में ये चीज हो रही थी। तो जब हमारे सामने ये समस्या आई कि इतना सारा प्लास्टिक है जिसका कुछ भी नहीं हो रहा है, ये नालों में बिक रहा है, जमीन में दब रहा है या इसे जला दिया जा रहा है, तो हमने जब ढूंढने शुरू करे तो हमें पता चला कि कई सारे देशों में ये चीज करी जा रही है। इसके लिए आगरा में कितने लोग अभी तक जागरूक हुए हैं? हमने कम से कम 1000 लोगों को इस तरह की वर्कशॉप करके 1000 से ज्यादा लोगों को हम अभी तक जागरूक कर चुके। हमारा 100 किलो प्लास्टिक अब तक इको ब्रिक्स में जा चुका है। बहुत ही सुंदर आइडिया है और ये एक प्रैक्टिकल आइडिया है, क्योंकि आजकल यूपी गवर्नमेंट ही नहीं पूरा देश इस प्लास्टिक से मुक्ति चाहता है, तो उसको मुक्ति चाहने के लिए ये बहुत अच्छी एक पोजिशन है। हमारे पास प्रॉब्लम तो है पर सोल्यूशन कोई नहीं है, एंड दिस इज वन ऑफ द फाइनल सोल्यूशन दैट वी कैन हैव। वो इसमें इको ब्रिक्स बना के हम स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, बेंचेस बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, टॉयलेट।